देखिए यहाँ पे ये कुछ निर्माण कार्य आपको दिख रहे होंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो अभी हम खड़े हुए हैं दोस्तों राजघाट। राजघाट वो जगह जहाँ से लक्ष्मण पथ बनना प्रस्तावित था गुप्तार घाट तक, तो हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ से राम मंदिर बहुत ही नज़दीक है, अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे, जो कि घाटों का निर्माण कार्य भी हो रहा है और भी चीज़ों के निर्माण कार्य के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे। वो भी गुप्तार घाट तक चलेंगे, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। और डेट एंड टाइम की बात करते हैं तो ये दोस्तों वीडियो कल की डेट में शूट की गई है, 25 जुलाई और बृहस्पतिवार के दिन। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजघाट के पास यहाँ पे भी ये मंदिर जैसी आकृति यहाँ पे बन रही है। ये पूरे देख सकते हैं पत्थर वगैरह यहाँ पे सब रखे गए हैं। ये कोई मंदिर है, जैन धर्म के 14वें तीर्थकर भगवान अनंतनाथ जन्मभूमि दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे 100 मीटर के बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है पीछे वाला। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ बन रहा है और सरयू नदी का जलस्तर भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो चुका है। यहाँ से भी सब पत्थर लगेंगे, ये सब देखिए अभी पत्थर नहीं लगे हुए हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ सब घाटों पर पत्थर लगेंगे। और यहाँ से दूर वो भी देख सकते हैं, उस पॉइंट पर भी बन रहा है मंदिर जैसा, ये वाला मार्ग यहाँ से थोड़ी दूरी पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग। आइए हम चलते हैं इधर से घूमते हुए पीछे वाले रास्ते से आगे। एक जगह बाटी बाबा पड़ता है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और जितने भी ये पूरे घाट ऐसे बने हुए हैं सब पे अच्छे से पत्थर लग के और नया रूप दिया जाएगा। इधर सब देख सकते हैं जैसे पत्थर लगे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही। ये सब अभी जो है निर्माण कार्य रुका हुआ है, पानी काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जलस्तर हो चुका है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे एक मंडी लगी हुई है छोटी सी, वहाँ पे देखिए बोर्ड पे दर्शाया गया है। चलिए चला जाए। देखिए यहाँ पे इतने सारे टॉयलेट बॉक्स हैं और ये सब जो वॉल खड़ी हुई है इन सब पे जो है डिज़ाइनें अच्छी अच्छी बनाई जाएंगी। कहीं कहीं जो है बंद भी चुकी है, ये देखिए पत्थर काटने का यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए कितने ऊंचाई पे, ये है झुमकी घाट पार्क है ऊपर। देखिए सरयू नदी का जलस्तर भी देख सकते हैं, यहाँ पे पानी आ चुका है इस बार। ये पंप हाउस है, सोलर लाइट्स देखिए पूरा जो है घाटों के किनारे किनारे सब लगा हुआ है। थोड़ा सा और जलस्तर बढ़ेगा तो ये सब जो है एकदम डूब जाएगा, इधर भी जो थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखिए वहाँ पे राम मंदिर दिख रहा है जो ट्रेन से वहाँ पे पीछे एकदम यहाँ से पास में है। राम मंदिर जब बन जाएगा तो उसका शिखर एकदम साफ साफ नजर आएगा। चलिए चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और सामने बाटी बाबा आश्रम, और यहाँ से ऐसे घुमा हुआ है ये। और जैसे ही ये खत्म होगा बाटी बाबा आश्रम, यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको आपको दिखाते हैं। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ मशीनें वगैरह पत्थर वगैरह आपको दिख रहे होंगे, अभी रुकते हैं तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे निर्माण कार्य कुछ चल रहे हैं। और जो कि इधर भी सरयू नदी का जल आ चुका है, यहीं कहीं रोको, यहीं रोको। लेफ्ट साइड की ओर भी देख सकते हैं पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ निर्माण कार्य आपको दिख रहे होंगे, जो कि काफी नीचे तक ये पहले मतलब दिख रहा था, अभी जो है जलस्तर काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है।
उधर के साइड पत्थर लगाने का वर्क चल रहा है। ये पूरा जो है इस पे सब पे ये पत्थर लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं आगे, ये भी रोड अच्छे से बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और ये पूरी जो सोलर लाइट्स लगी हुई है पूरी जो है गुप्तार घाट तक लगी हुई है, रात में अगर कोई आना चाहे तो आराम से आ सकता है, लाइट्स जलती मिलेगी। देखिए इधर जो है पत्थर लगने का काम चल रहा है। चलिए चलते हैं और आगे, अब थोड़ा दूर तक तो सन्नाटा ही रहेगा, कुछ वर्क आगे चल रहे हैं उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्लांट लगाया गया है जो कि फिल्टराइजेशन, शहर का जो भी गंदा पानी होगा इधर से आते हुए इधर के साइड आएगा और सरयू नदी को जो कि स्वच्छ रखा जा सके इसके लिए प्लांट बनाया गया है। देखिए वहाँ से वो पाइप जो है इधर के साइड निकली हुई है, काफ़ी बड़े में ये प्लांट है, उसका जो है प्रवेश द्वार उस साइड के ऊपर प्लांट। और देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य जो किए जा रहे थे, इस पॉइंट पर पानी आ चुका है और पत्थर गिराया गया है काफ़ी ढेर सारा, ये सब पत्थर अभी जल्दी में गिराया गया है। देखिए यहाँ पे ताकि पानी जो है इधर के साइड रहे और थोड़ा सा जो है सरयू रिवर फ्रंट का दृश्य अच्छे से देख सके। सरयू नदी इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा जलस्तर हो चुका है। देखिए यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है इतने दूर आके, बताइए। देखिए इन सब पोल्स पे भी सीसीटीवी लगा है, रोको एक मिनट तो। देखिए यहाँ पे तो कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, जिसको नहीं पता है तो हरकत कर ही देगा और बाद में जो है वो अपना भुगतेगा। अब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है गुप्तार घाट, करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे। देखिए इधर से इस बार कितना ज़्यादा जलस्तर आ चुका है। तो हम जो है जमथरा आ चुके हैं, इधर के साइड ये वाला टापू देख सकते हैं बचा हुआ है अभी डूबने से, जहाँ पे कई सारी एक्टिविटी के लिए वो बनाया गया था, मतलब श्रद्धालु आके घूम सके उस पॉइंट पे, अभी बचा हुआ है डूबने से। थोड़ा सा जलस्तर और उठेगा तो पूरा चांस है वो डूबने का। श्री निलायम निलयम निलायम जो भी है, देखिए कितना जलस्तर इधर सब है। और ये पूरी जो है आरसीसी रोड जो है थोड़ी दूरी तक ही बनी हुई और उधर के साइड स्टार्टिंग में करीब जो है हजारों सोलर लाइट्स इधर ये पूरी जो है लगी हुई है इधर सरयू रिवर फ्रंट पे। आप देखिए ये 14 कोसी पे गांव है, यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिलता है ये है। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है ये वाला प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, लक्ष्मण पथ वाला, बनना होता तो काम वाम स्टार्ट हो जाता और अगर इधर की रोड बन जाती तो सही रहता, जो कि जाम बहुत ज़्यादा कम लगता। यहाँ से गुप्तार घाट जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। बरसात में कितना भीड़ होते, एकदम मतलब खिल जाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम यहाँ पे गुप्तार घाट पे और यहाँ से ये मार्ग होता है ख़त्म और यहाँ से घूमते हुए उधर वो सामने 14 कोसी पे का मार्ग है और राइट साइड की ओर सादतगंज बाईपास की ओर होते हुए पीछे से आर्मी कैंपस से और इधर के साइड
फिर से उधरी साइड 14 कोसी से जा सकते हैं, और यहीं तक जो है अगर लक्ष्मण पथ बनेगा तो यहाँ तक जो है ये पूरा बनाया जाएगा, वहाँ राजघाट से लेकर। और यहाँ पे ये देखिए किसी प्रोजेक्ट के बारे में ये दिया हुआ है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। देखिए ये कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ है कैसे है। और यहाँ पे एक बोर्ड और लगा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दर्शाया गया है। किसी ने यहाँ पे मौत लिख दिया है इस पॉइंट पे, गुप्तार घाट इधर, राफ्ट पेड़ इधर, और यहाँ पे मौत, गजब गजब पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये सरयू नदी का जलस्तर भी देख सकते हैं इस समय कितना विशाल काय लग रहा है देखने में, खतरनाक एकदम। गुप्तार घाट से तो और खतरनाक नजर आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।